तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सरकारे एक भ्रष्टाचारी ने मद्रास हाईकोर्ट ना एडिशनल जज तरीके यथावत राख्या होवाना भूतपूर्व जस्टिस कासू ना दावा थी शुरू थयेलो व्याद हवे लालचोर बनी गयो छे। सोमवार थी माफक मंगलवारे पण राज्यसभा मां आ मुद्दा पर होबाळो थयो। एक तरफ कांग्रेस एवो आरोप लगावी रही छे के मोदी सरकार ना खास बनवा माटे कासू ए आवो दावो कर्यो छे, तो बीजी तरफ भाजपे कासू ना दावा नुं समर्थन कर्यु। मोदी सरकारे काजूना दावाने योग्य ठेरवता तत्कालीन यूपीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाव्या। कायदा मंत्री रविशंकर प्रसादे राज्यसभा में कह्यु कि जून 2006 मां वडाप्रधान कार्यालय सुप्रीम कोर्टना जजूना कॉलेजियम ने ए जजना नाम पर विचार करवा माटे कह्यु हतु, जेनो उल्लेख काजूए पोताना खुलासामां कर्यो छे। शरूआतमां जजना नाम पर कॉलेजियम राजी न थवाना कारणे कायदा मंत्रालय पण आ मामले नोट मोकली हती। In June 2006, there was a clarification sought from the then PMO as to why his case is not being processed. On 16th of July 2005, to be precise, again a note went from the Department of then Justice, with the approval of the then Law Minister, indicating about certain sensitivity, and thereafter a call was taken by the Collegium then that his case can be considered for some extension. सरकारे मात्र काजूना दावाने योग्य न ठेरव्यो, परंतु ए बात पण स्वीकारी के देशमां जजोनी नियुक्ति माटेनी प्रक्रिया सुधारवानी जरूर छे। तेना माटे मोदी सरकार राष्ट्रीय न्यायिक पंचना गठन पर गंभीरताथी विचार करी रही छे। And there is an imperative need to improve upon the system of appointment of honorable judges. જોકે પ્રસાદના નિવેદન પર પણ વિરોધીઓએ જોરદાર હોબાળો કર્યો। આપ प्रेस काउंसिल के चेयरमैन रहे तब आप नहीं बोले, अब आपका रिटायरमेंट नजदीक है तब आप बोल रहे हैं। एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी की है, सरकार पे आपने सवाल उठाए हैं। अगर इन सब के अंदर सच्चाई है तो काटजू साहब को उसी वक्त इन सवालात को उठाना चाहिए था। न श्री लाहोटी ने, न श्री भारद्वाज ने पार्शली किया है, नहीं किया पूरा, न श्री बालकृष्णन ने और न श्री सबरवाल ने। तो एक तरफ तो पुष्टिकरण नहीं है और एक तरफ जब ये 10 साल बाद बोले हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रश्न लगता है। काजुए तत्कालीन यूपीए सरकार पर आरोप लगा बहता इतने भाजपा मुद्दा ने जगावा व्यस्त छे। मोदी सरकार की माफक भाजपा पर आगा मामला ने विस्तृत तपास की बात कही। प्रधानमंत्री जो उस वक्त थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका क्या रोल था, कैसे वो मान गए बात, और जो उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे भारद्वाज जी, उन्होंने क्या क्या किया, किस तरीके से चिट्ठी लिखी, ये एक बहुत बड़ा कांड है। आखा विवाद में कायदा निष्णातों एक अलग कही रहा है। मैं समझता हूं कि जस्टिस काटजू ने सिर्फ आधी बात बोली है, पूरी बात नहीं बोली। उन्होंने ये कहने की तकलीफ नहीं की कि जब नियुक्ति हुई थी जस्टिस अशोक कुमार की, उस वक्त एनडीए सरकार जो है वो पावर में थी और एनडीए सरकार के पास जो सारे उनके खिलाफ कंप्लेंट्स आई थी उसके बारे में कोई भी इंक्वायरी नहीं की गई। इस बात का की इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो उस वक्त क्यों नहीं उनके बारे में इंक्वायरी हुई। काजुए करेलो दावो कोई नवी बात नहीं, भूतकाल में घना कायदाविदो पर न्याय प्रणाली में व्यापीला भ्रष्टाचार मुद्दों उठावता रहे छे, परंतु आज दिन सुधी कोई सरकारे आ मामला में नक्कर पगला भरे नहीं। जोइए मोदी सरकार शू करे छे। Beat you.